आई गेस इसमें किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड कब बनती है। चलो देखते हैं स्लाइड में आपके क्या था। चैप्टर का नाम क्या है? कंबस्टन एंड फ्लेम। कंबस्टन क्या होता है? कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, मतलब कंबस्टिबल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो जल सकते हैं, बर्न हो सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। इनकंबस्टिबल कौन से होते हैं? इनकंबस्टिबल कौन से होते हैं? जो जल नहीं सकते। सब्सटेंस विच बर्न इन एयर। एयर मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रही है ना। सब्सटेंस विच बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करते हैं? गर्मी देते हैं ना, हीट देते हैं, एंड हीट आर एंड लाइट। देखा होगा ऑफकोर्स ही बात है, लाइट भी आती है आग जलने से, तो वो क्या होंगे? कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होंगे। ठीक है, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? जो हीट प्रोड्यूस करते हैं और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, दैट आर नोन एज कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। हाँ जी बच्चों बोलिए बोलिए बोलिए। बोलिए पुण्य जी। मैम ये मैम ये ग्लास का क्या है मैम, जिसमें कैरोसिन लिखा हुआ है? अच्छा अच्छा अभी रुको बच्चे, मैं जहां तक पढ़ रही होती हूँ वहीं तक पढ़ा करो आप, एकदम बीच में ना वो डेकोरम मत हिलाया करो क्लास का बच्चों प्लीज। ठीक है, जहां पे मेरा एरो चल रहा है वहीं तक रहा करो, फिर उससे ना आके डेकोरम मिल जाता है क्लास का। ठीक है, मैं बता रही हूँ। ठीक है, सब्सटेंस विच बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस हीट, जो हीट प्रोड्यूस करते हैं एंड लाइट, जो लाइट देते हैं, आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल लकड़ी, वुड दिख रही है आपको, जलाओगे तो देखना अगर हीट भी निकलती है, धुआं भी निकलता है और लाइट भी देता है। ठीक है, कोल, ब्लैक कलर का कोल होता है जो चिकन खाते हैं वहां पे देखना, और सर्दियों में जो जलता है, बारबेक्यू करते हैं ना उस पे, ऐसे ऐसे करके सेक रहे होते हैं, चिकन बन रहा होता है, पनीर टिक्का, तो वहां पे क्या होता है? कोल होता है। एलपीजी के सिलेंडर आपके घरों में लग रहे हैं। कैरोसिन क्या होता है? मिट्टी का तेल। सबसे पहली बात, कैरोसिन मतलब मिट्टी का तेल। ये जो है, पहले ना जब पहले का जमाना होता था उसमें ना लालटेन होती थी, इसको लालटेन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे करके बनी होती थी, पकड़ने के लिए ऊपर से ये पकड़ने वाला होता था, और इसके अंदर ना एक वो लगा देती थी, थ्रेड लगा लो, और इसके अंदर केरोसिन डाल देते थे, मिट्टी का तेल डाल देते थे, वो जलता रहता था, जलता रहता था, फॉर दी पर्पस ऑफ लाइट। आजकल तो एलईडी बल्ब आ गए, ट्यूबलाइट्स आ गए, पर ट्रेडिशनल मेथड में अर्लियर वहां पे लाइट नहीं होती थी, तो ऐसे करके लाइट के लिए लालटेन रखते थे। क्लियर हुआ? वुड, कोल, चारकोल जो होता है, तारकोल जो रोड पे बिछते हैं, केरोसिन मिट्टी का तेल, पेट्रोल पता ही है, डीजल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, कंप्रेस्ड सीएनजी जो व्हीकल्स में यूज होती है। क्लियर हुआ? कंबशन क्या होता है? अभी मैंने एक्सप्लेन किया, केमिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस इन विच। हाँ जी बच्चे। मैम मैंने अभी मैम वो नहीं लिखा मैम, फर्स्ट वाला मैम, सब्सटेंस वाला आप लिख रहे हो, बच्चे मैं अभी स्लाइड प्रोवाइड कर दूंगी आपको थोड़ी देर में, बस क्लास ओवर होती मैं आपको पीपीटी दे दूंगी। ठीक है, उसमें से आप लिख लेना। ओके मैम, अभी आप समझ लीजिए बस। कंबशन क्या होता है? कंबशन क्या होता है? द केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन। कोई एक सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस हो गया, क्लोथ, लकड़, ये जो पीछे अभी हमने सब्सटेंस बताई, इतने सारे सब्सटेंस है ना, कोल, चारकोल, केरोसिन, ये सारे क्या है? सब्सटेंसेस ही तो है, ये सारे क्या है? सब्सटेंस है। ठीक है जी, तो क्या हो रहा है?
केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, किसके साथ रिएक्ट होता है? अभी मैंने आपको बताया किसके साथ रिएक्ट होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है ना, प्रोड्यूस। और क्या प्रोड्यूस करता है? हीट प्रोड्यूस करता है, दैट इज नोन एज कंबशन। व्हेनेवर अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, अभी आपको एक्सप्लेन किया, ऑक्सीजन के साथ कोई सब्सटेंस रिएक्ट करता है तो क्या मिलती है? हीट मिलती है, और क्या होता है? कंबशन होता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? फ्यूल भी बोल सकते हैं ना, फ्यूल है ना। अभी मैंने आपको बताया बर्न, फ्लेम, फ्यूल, कंबशन हो रही है, सब क्या होते हैं? फ्यूल होता है। जो सब्सटेंसेस है, सपोज करो ये सब्सटेंसेस हैं, ये सब्सटेंसेस हैं, ये जलते हैं, तो इन्हें क्या बोल देंगे? कंबशिबल सब्सटेंसेस बोल देंगे। जलना मतलब फ्यूल। फ्यूल आपको पता है क्या देते हैं? हीट देते हैं, लाइट देते हैं। द सब्सटेंस विच अंडरगो कंबशन, जो सब्सटेंसेस कंबशन में जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कंबशिबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। और कुछ ना, अब सपोज करो ये है, देखो सब्सटेंस, समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, कुछ में देखना रोशनी भी मिलती है, लाइट भी मिलती है ड्यूरिंग कंबशन, इधर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो, किसी में रोशनी की तरह और किसी पे तुम जला सकते हो। कैंडल पे तुम खाना नहीं बना सकते, लेकिन उस पे, गैस पे आप खाना बना सकते हैं। जिस पे खाना बना सकते हैं फ्लेम हो गया, और जिस पे ग्लो, जिसके लिए सिर्फ तुम्हें लाइट में, सपोज करो कैंडल है वो रोशनी देती है, तो वो क्या हो जाएगा? ग्लो हो जाएगा। हाँ जी रुद्र, क्या बताए? हाँ, फ्यूल्स मतलब ही कंबशन हो रहा है ना, फ्यूल्स का नाम ही, फॉसिल फ्यूल्स का नाम ही कंबशन इसलिए रखा है, ठीक है। फ्यूल्स क्यों बोला उसे? क्योंकि वो जलते हैं। अभी बताया ना कंबशन का मतलब, दूसरा नाम क्या हो सकता है? फ्यूल हो सकता है। समटाइम लाइट भी प्रोड्यूस होती है। कंबशन के लिए अभी बताया ऑक्सीजन का होना, हवा का होना, एयर का होना बहुत जरूरी है। तो एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन, क्लियर हुआ? एक बार मैं अटेंडेंस शेयर कर देती हूँ। एयर इज नेसेसरी हो गया। अब एक बात बताइए, क्या मैम इसको एक्सप्लेन कीजिए कि एयर कैसे नेसेसरी है हमारी बॉडी, मतलब आग लगाने के लिए, बर्न करने के लिए, फ्यूल के लिए एयर की कैसे जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की कैसे जरूरत पड़ेगी? ये कैंडल है, दूसरी कैंडल ये है, तीसरी कैंडल ये है। फिक्स अ लाइटेड कैंडल ऑन टेबल, एक टेबल पे मोमबत्ती जला के रख दो। फिर क्या किया, उसके ऊपर एक ग्लास का ऐसे, ये जो ग्लास है इसको ऐसे उल्टा करके रख दो, ऐसे करके रख दो, ठीक है। अभी ये जब उल्टा करके रखा है तो क्या होगा? और हाँ जी पूछिए मैम। मैंने ये कर रखा है मैम, जब ग्लास को उल्टा कर देंगे तो मैम कैंडल बुझ जाएगी मैम। अच्छा बच्चे, और मैम मैंने तो इसलिए एड्रेस किया था ना, आपने बोला करोगी। फिक्स अ लाइटेड कैंडल ऑन टेबल, एक टेबल पे लाइट कैंडल जलाइए, उसके ऊपर एक ग्लास रख दो ओवर द टेबल एंड रेस्टेड ऑन फ्यू वुडन ब्लॉक्स, उसको रख दो और इन सच अ वे दैट कि एयर एंटर कर जाए चिमनी में, ठीक है, एयर एंटर हो जाए, हवा आने लग जाए। दूसरे में क्या हो रहा है? नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। अब क्या है, वहां पे दूसरे में ये जो लकड़ के वो रखे है ना, इसको हटा दो। अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम, फिर देखना। नाउ पुट द ग्लास प्लेट, अब उसके ऊपर एक प्लेट रख दो, ऑब्जर्व द फ्लेम, अब फिर देखो क्या होगा। तो पहले वाले में क्या देखा, कुछ भी ढका हुआ नहीं था, तो क्या हुआ, आग जलती रही। लेकिन इस वाले में देखो, इसमें आग बुझ गई। और दूसरे वाले में क्या हुआ, इसमें जब बिल्कुल ही बंद कर दिया तो भी क्या हुआ, आग बुझ गई। कहने का मतलब था जो फिक्स लाइटेड कैंडल्स होती हैं उनके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत जरूरी है। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर एंड बर्न्स इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? मिनिमम टेम्परेचर होता है, चिंगारी जिसको बोलते हैं, स्पार्क बोलते हैं, फायर बर्न करने के लिए उसको।
पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।